हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को बजट पेश होना है, लेकिन ये कोई आम साल तो है नहीं, ये तो चुनावी साल है। मई में नई सरकार बननी है, ऐसे में पूरा बजट तो जून या जुलाई में ही आएगा। ऐसे में 1 फरवरी को पूर्ण बजट नहीं आएगा, इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे मिनी बजट भी कहते हैं। भले ही ये बजट मिनी हो, लेकिन चुनावी साल होने के कारण इससे उम्मीदें हिमालय जितनी बड़ी हैं। वैसे उम्मीदें तो नौकरी पेशा लोगों को भी हैं, खासतौर पर आयकर के मोर्चे पर। वैसे सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि सरकार आयकर के मोर्चे पर भारी भरकम राहतें दे सकती है। वैसे पिछले बजट में भी इनकम टैक्स को लेकर बड़ी रियायतें तो दी गई थी। इनका फायदा उठाने के लिए एक ही बड़ी शर्त थी, आपको टैक्स रियायतों का लाभ तभी मिल सकता है जब आप नई टैक्स रिजीम को अपनाते हैं। अब आपने हाल ही में कमाई शुरू की है या नई और पुरानी टैक्स रिजीम का अता पता आपको नहीं है, तो इस वीडियो में इस बारे में हम आपकी मदद कर देते हैं। दरअसल सरकार ने टैक्स की व्यवस्था को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला पुरानी टैक्स रिजीम, जिसमें टैक्स छूट की वही व्यवस्था है जो बरसों से चली आ रही है, यानी बीमा, FD, बच्चों की पढ़ाई, होम लोन की EMI जैसे निवेश पर आपको टैक्स छूट दी जाती है। यहाँ पर 4 स्लैब हैं, यानी 0 से 2.5 लाख पर 0% टैक्स, 2.5 से 5 लाख की कमाई पर 5%, 5 से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स लगता है। यह कमाई के साथ 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, यानी इनकम में से इतनी कमाई घटा दी जाती है। लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में कोई रिबेट नहीं है, यहाँ टैक्स की दर कम है, सरकार इसे ज्यादा प्रोत्साहित भी कर रही है। यही कारण है कि पिछले बजट में सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही राहतें दी गई हैं, लेकिन चुनावी साल में ये माना जा रहा है कि सरकार पुरानी टैक्स रिजीम में भी बड़ी राहतें दे सकती है। तो अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि टैक्स के जिस मोर्चे पर सबसे ज्यादा बचत होने की उम्मीद है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे अहम है। फिलहाल नौकरी पेशा को 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है, लेकिन माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में इसकी सीमा को 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। आपको बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फ्लैट कटौती होती है, इस छूट को पाने के लिए आपको कहीं निवेश नहीं करना पड़ता। वैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर उम्मीदें इस साल के लिए भी ज्यादा हैं, क्योंकि 2019 में चुनाव से पहले आए अंतरिम बजट में भी सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत दी थी, तब इसे 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था। टैक्स के मोर्चे पर एक राहत की उम्मीद बुनियादी छूट की सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए करने को लेकर भी है। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक बेसिक इनकम टैक्स लिमिट 2.5 लाख रुपए है, जिसमें कई सालों से बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसे देखकर माना जा रहा है कि सरकार निम्न मध्यम आय वर्ग को इसमें राहत दे सकती है। यदि ये बदलाव होता है तो इससे लगभग 7 करोड़ करदाताओं में एक बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होने वाला है, साथ ही महंगाई से भी राहत मिलेगी। एक उम्मीद 80C की राहतों को लेकर भी है, यहाँ पर फिलहाल 1.5 लाख के निवेश पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलता है। अंतरिम बजट में इसकी सीमा को भी 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, यानी आप बीमा, FD, ELSS, म्यूचुअल फंड जैसे टूल्स में 2 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स का छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बीमारी के बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ बीमा के लिए भी लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा सकता है। फिलहाल ये लिमिट 25,000 रुपए है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ बीमा की लिमिट भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किए जाने की उम्मीद है। ये तो सब रहा पुरानी टैक्स रिजीम की बात, वहीं नई टैक्स रिजीम को लेकर राहतें भी देखने को मिल रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार हायर टैक्स की सीमा को 30% से घटाकर 20% या 25% कर सकती है। इससे ज्यादा आय वाले लोग भी पुरानी व्यवस्था छोड़कर नई टैक्स रिजीम को अपनाएंगे। वहीं इसके अलावा मध्यम आय वर्ग को टैक्स से राहत देने के लिए टैक्स छूट की शुरुआती लिमिट में राहत दी जा सकती है। फिलहाल ये सभी अनुमान और उम्मीदें हैं। हर बजट से पहले आम करदाता इसी तरह राहतों की उम्मीद लगाता है। अब देखना है कि चुनावी साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बही खाते से 1 फरवरी के दिन कितनी राहतें बरसती हैं।